बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही करारी है, ये आप देख सकते हैं। और इसे चटनी में करना है डिप इस तरह से, बहुत ही यमी है। पालक के पकोड़े, आलू के पकोड़े, तरह तरह के पकोड़े खाए होंगे, तो आई एम श्योर ये पकोड़े नहीं खाए होंगे, तो इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, करेम के पत्ते के पकोड़े। चलिए, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है दीदी की रेसिपी में। आज हम बनाएंगे करेम की पकौड़ी, तो ये बहुत रेयर मिलता है, तो इसकी पकौड़ी आप जरूर एक बार बनाएं। आपने पालक के प्याज के बहुत खाए होंगे, लेकिन इसकी नहीं खाएंगे, तो चलिए इसकी रेसिपी हम बनाते हैं। बारिश, पहली बारिश होती है तो ताल पोखरे में ये पाया जाता है, ये गाँव में मिलता है, लेकिन अब सब्जी मंडी में भी ये सीजन आ गया इसका, तो मिलेगा ये, तो आप एक बार जरूर इसे, और सब्जी मंडी में भी आने लगी है, हम लोग वहीं से लाए हैं, तो आप इसे एक बार जरूर लेके आए और इसकी पकौड़ी जरूर बनाए। कि इसे साफ कैसे करते हैं, तो ये देखिए, इसे डंठल अलग कर देते हैं और बस पत्ता पत्ता लेते हैं, तो ये मेन काट लेते हैं हम, तो पसुल पे काट रहे हैं हम इस तरह से। ये दोस्तों, हमने इसे मेन कट कर लिया है, अब इसे हम धोएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मिट्टी लगी रहती है, तो इसे अच्छे से धो लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे दो पानी से हम धोएंगे, काफी मिट्टी लगी, तो इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, पानी को अच्छे से स्क्वीज कर लेना है करेम के, नहीं तो गीला हो जाता है, तो अच्छे से इसे क्वीज कर लेना है, अच्छे से निचोड़ लेना है, तो पूरा पानी निचोड़ लेना। यहाँ 7-8 मिर्च ले रहे हैं, थोड़ा तीखा बनाएंगे पकौड़ी को, तो इसे डाल रहे हैं हम ग्रेटर में, और 4-5 लहसुन की कलियाँ ले ली है यहाँ पे, यहाँ पे 1/2 इंच अदरक लिया, इसे भी हम डाल के ग्रेट कर लेंगे। तो इसमें ये हमारा ग्रेट, हमने लहसुन मिर्ची अदरक को कूट लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चने का बेसन लिया है तकरीबन 2 कटोरी, और इसे हम पहले छान लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम डालेंगे कुटा हुआ ये हमारा मसाला, यानी हरी मिर्च लहसुन। तो यहाँ पे अपने टेस्ट के अनुसार आपको मिर्च डालना है, और स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं, और डालेंगे इसमें गरम मसाला, हल्दी डाल देना 1 चुटकी। ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड्स, सादी सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी है। और इसमें पानी ऐड नहीं करना है, और इसमें ऐसे ही मसलते जाना है, क्योंकि ये हरी सब्जी है तो ये अपने से ही पानी रिलीज करती है। तो ये देखिए पानी निकलते जा रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नरम हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे तब तक गूंथना है जब तक इसकी मुट्ठी ना बनने लगे, यानी पकोड़ों को साथ इस तरह से ये बनने लगेगा, इट मीन्स ये रेडी हो गया है। तो चलिए फटाफट हम करेम के पकोड़े बनाते हैं। यहाँ पे हमने तेल को गरम होने दिया है, तो मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस आकार से हमने करेम के पकौड़े बना लिए हैं हम, तो धीमी आंच पे इसे फ्राई कर लेंगे हम, यानी मीडियम फ्लेम पे। तो एक एक करके डाल देना इसके अंदर फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यूनिक पकौड़ी है, क्योंकि ये हमेशा नहीं मिलती है, बस ये बारिश के सीज़न में मिलती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस लगता है। प्याज और पालक के पकौड़े तो हमेशा मिलते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है, हेल्दी भी है ये, बहुत हेल्दी भी है ये। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक बैच रेडी हो गया है, तो इसे अच्छे से हम सेक लेंगे, यानी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने पकौड़ियों को अलट पलट ले रहे हैं, यानी ऊपर नीचे कर ले रहे हैं, ताकि दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी करारी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट में हमारी पकौड़ी एकदम क्रिस्पी करारी रेडी हो गई है, तो हम इसे डिश आउट कर फटाफट। ये देखिए, बनते ही मुंह में पानी आने लगा है मेरे, मैं तो एक हूँ एक नंबर की भुक्कड़, बनाती हूँ सबके लिए, लेकिन खाती तो मैं ही हूँ। तो लग रही है ना मस्त, तो इसे हम डिश आउट कर ले रहे हैं, ये देखिए।
तो ये बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, बहुत ही करारी है, ये देखिए। तो बाकी का बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, झटपट हमारा सेकेंड बैच भी यहाँ पे फ्राई हो गया है, तो कुछ ही मिनटों में ये पकौड़ी तैयार हो जाती है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारा है, ये देख सकते हैं आप इसका आवाज, तो एकदम ये कुरकुरे की तरह है फ्रेंड्स, एकदम कुरकुरे की तरह, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है और बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि ये करेम के पत्ते हैं। दोस्तों, क्रिस्पी सी करारी सी हमारी करेम की पकौड़ी एकदम रेडी है, ये बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही करारी है, ये आप देख सकते हैं। और इसे चटनी में करना है डीप इस तरह से, बहुत ही यमी है।